रुको ना, लाइट ऑफ हो गई है, लाइट ऑन करो ना एवरीबडी। चलो आप पहले परिचय ले लेते हैं। आप नाम साहब का नाम क्या है? प्राची। प्राची, आप लड़की की तरफ से? पहले लड़के वाले को देखा नहीं है आपने? तो मतलब मैं लड़का वाला हूं तो मैं उस तरह जा रहा हूँ। चलो वेरी गुड यार। आपका नाम क्या है सर? जयंत। जय हिंद। जय हिंद आपका नाम है? अच्छा जयंत। यू नो मैं अगर डोम्बी, ताकि लोग भी समझ ले कितने बड़े डॉन है भाई। नाम रघु लग रहा है। वैसे पब्लिक हेलो बोल लो। जय महाराष्ट्र। रघु भाई कैसा लग रहा है? पूरी दुनिया ने आपको देख लिया, सब लोग रेडी है? एकदम झकास, बहुत मस्त लग रहा है भाई, बहुत मस्त लग रहा है। आपका डांस भी पसंद आया, बीच में जो मन में आया कर लिया, उसका श्रीशांत भाई को घुमा लिया। अरे जबरदस्त, फुल टू फटाक, बिल्कुल फटाक पड़ने वाला है मेरे को भी। लेकिन मैं कैसा, थोड़ा पीछे आ जाओ, लाइट में आ जाओ, पीछे में आ। लेकिन आपके साथ में जो चौल में लेडी डॉन है ना, सावित्री भाई, नमस्कार। थोड़ा दूर रहने पड़ता है, ऐसे लगता है जैसे कि जितना कड़क दिख रही है शायद है नहीं, लेकिन इनका भी आपको परिचय पहले करवा देते हैं, उसके बाद इनसे भी 2 मिनट का बात करेंगे। आ जाइए इस तरफ। दुनिया और कसकाई मुंबई बराए बोल लो सबको। जय महाराष्ट्र। अरे इतना ठंडा गाय को मेरे को यहाँ पे पड़ेगा ना, नमस्कार बोले ना, जय महाराष्ट्र बोलो। जय महाराष्ट्र। हिसाबात रायचा पंगा घ्यायचा नाही। हाँ मेरे को तभी, मैंने 2 लोग बीच में रख के आपसे, ऐसा मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डेंजर है आप। लेकिन आपने नाचा तो बहुत जबरदस्त था। तो रघु भाई को अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप, ऐसे कुछ बता दें क्या? मेरा रघु को अगर कुछ हो गया तो किस लगता है मैं किसी को छोड़ेगी? हाँ अरे मेरे रघु का बाल भी बाका हो जाए ऐसा काट के फेंकेगी ना। मैं वही बात रोक देंगे, लेकिन बीच में ही है माया, नमस्कार कैसे है? ये भी आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही है और आपने बहुत ही खूबसूरत डांस भी किया था, सही वक्त पर सही साइड पर आ गई रघु की। पब्लिक को हेलो बोल लें, ताकि पब्लिक भी ऑलरेडी जान चुकी है आप उनके साथ में हैं। नमस्कार, कैसे काय मुंबई? अरे कसक काय मुंबई, काय मुंबई। नमस्कार कैसे हैं आप? उधर वाले लोग भी हेलो बोल रहे हैं, कैसे? इधर वाले लोग कुछ नहीं बोला, आप नीचे आ जाओ भाई। हेलो कसक काय बोलो ना इनको, माया को नमस्कार। ठीक है तो ये तो आपके मतलब समझ सकते गुड फ्रेंड है ना, वेरी गुड फ्रेंड है, ये भी मानते हैं वेरी गुड फ्रेंड। रघु भाई ये वेरी गुड फ्रेंड? हाँ वेरी गुड फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। हाँ अभी तक इन्वर्टेड कॉमा चल रहा है, उसके आगे क्या होगा पता नहीं। वो स्पेशल फ्रेंड कब बनूंगी वो भगवान को पता है। स्पेशल फ्रेंड तो इधर भी बैठे, श्रीशांत भाई के लिए तालियां हो जाए। नमस्कार, I should be saying जय महाराष्ट्र। यस श्रीशांत भाई, वी लव यू, भारत आपको बड़ा प्रेम करता है। आप रघु भाई के बड़े अच्छे दोस्त हैं, पब्लिक को जिगरा है जिगरा है इनके पास, जिगरा। आपका हाथ इतना लंबा, श्रीशांत भाई आपका हाइट क्या है? 6 फुट। और हाथ ऊपर जब जाता है, जब बॉलिंग करते थे तो कितना होता था? 7 फुट। 7'2" मैं बोलता हूँ, मैं श्रीशांत भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्रिकेट के दिनों से सुपर फैन थे, जिस तरह बॉल को स्विंग कराते थे हम लोग घर पे बैठ के वीडियो गेम पर, बॉल को इतना स्विंग नहीं कराते थे पहले। इनके लिए वही तालियां हो जाए भाई, व्हाट अ प्लेयर, लव इट। धन्यवाद, थैंक यू। और अभी हाल ही में भी बहुत अच्छा खेले आप, लेकिन यहाँ पे आप एक स्पेशल काम के लिए आए हैं, आप रीति रिवाज में रुचि रखते हैं? बहुत विश्वास करता हूं। तो ये जो अनोखा गठबंधन होने वाला है उसके लिए आप करने को तैयार हैं? यस। लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो हम लड़की वालों को भी स्टेज पर बुलाएंगे, धनाका और अविका जी आ जाइए स्टेज पर, ताकि हम भी ये अनोखा गठबंधन कर सकें। इनकी तरफ से श्रीशांत भाई करेंगे, उनकी तरफ से अविका जी करेंगे, हो जाए तालियां। वो आपने वीडियो देखा है, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ, वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये जो गठबंधन होगा, हम बांधेंगे कैसे गठबंधन को? मेरे को एक चुन्नी दीजिए ना, पीछे से चुन्नी लाइए, एक मिनट रुकिए, 2 सेकंड, फोटो आप हो जाएगा, फोटो आप, एक थोड़ा पास आ जाइए सब लोग, एक फोटो आप हो जाएगा। वेरी गुड। तुम वही लड़के हो ना जो गलत शादी में चले गए थे, बाजू में शादी हो रही है यहाँ पे, वहां पे गए हो तुम ना, वैले पार्किंग वहां पे भी चल रही है शादी में, बाजू में, यू नो ना, बहुत सारे लोग करे हैं। ओके वेरी गुड, इसको बांधना है, कौन नॉट अच्छी तरह टाई कर सकता है? हाँ थोड़ा सामने आ जाइए, हाँ ऐसा कुछ करके ये जो एंडिंग है वहां पे बांधना है।
श्रीसंत इज एक्सपीरियंस्ड. हो जाए. और ये अब अनोखा बंधन की गांठ बंध रही है और हो गया गठबंधन. जबरदस्त. दोनों का मेल हो गया, सेमी फॉर्मल मेल हो गया. वेरी गुड. अब वहां पे हमारा मंडप है. श्रीशांत और अभिका जी आप रहिए, बाकी का मैं वहां पे स्वागत करना चाहूंगा. आप लोग वहां की तरफ प्रस्थान कर लें. ऑल द बेस्ट जी. हम भी बस थोड़ी देर में. जिगर पे ट्रिगर. शनिवार रविवार इन दोनों के लिए तालियां हो जाए. इतना सब कुछ कर लिया, मेरे को देखकर यहाँ पे डर लग रहा है. ऐसा फेंका था जब. बेस्ट बात पता है क्या है अभी का यार, आप वैसे तो बड़े डायलॉग मार रहे थे लेकिन वहां पे जाके दो लड़कियां स्टार्ट विद यू फर्स्ट. ठीक है ओके. एट अलग नाइट हो रही है. नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह भाई वेरी गुड यार. 16 17 18 19 चीता दी इज वेरी क्लोज. भारत का सवाल है, यू कैंट लूज. 21 2 3 भाई रुक जा, तू रुक जा, तू कर रहे. डोंट स्टॉप. वेरी गुड वेरी गुड. अरे भाई यार दंगल में रह चीज को. वेरी गुड यार. अच्छा जस्ट स्टॉप. आई थिंक इट्स अ टाई. सीजन स्टॉप दिस गाय यार. आई एम वेरी गुड ट्राई यार, तूने बहुत शटल किए. अच्छा तो इसको ना बचपन में दंद बैठा बोलते हैं. एंड हाई सा एंड टू एंड स्टार्ट द म्यूजिक. 10 8 9 10 वेरी गुड. अच्छा रुको ठीक है. अनमैरिड है. अच्छा तभी मेरे को लग रहा है ऑलरेडी. अब ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, फिर मैं दूर भाग जाऊंगा. वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस अनिता, जस्ट गिव इट टू देम. बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नहीं ये मैं बॉयज के लिए है. नहीं कीजिएगा. आपका नाम पंडित जी? आचार्य वीरेंद्र जी. आचार्य वीरेंद्र जी. सलील आचार्य हमारा नाम है. आगे पीछे दोनों का नाम फिक्स हो गया. वीरेंद्र सलील हो गया सेट. तो ठीक है जाएंगे. एक्सक्यूज मी, आप लोग बाजू में आ जाइए ना, तो पिक्चर आ जाए. जी एक इधर और एक उसी तरफ. जी पंडित जी आप शुरू हो रही है. शुरू रही आरी हुई गो. पूरा खाली पड़ा है सिर्फ आप लोगों के लिए. इनकी रसामंदी नहीं लेंगे आप? नहीं जो
शुक्रिया। मैं कैमरा पीछे लो जरा, कैमरा जरा पीछे लो, हल्का पीछे लो। हमने पहली बार देखा है, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस? जरा सीर आ रहे हैं जी। एक्सपीरियंस बहुत ही उमदा और बहुत ही मज़ेदार रहा है, और हम उम्मीद करते हैं जितना मज़ेदार हमारा एक्सपीरियंस रहा है उतना ही जनता का भी रहे जब वो हमारा शो देखेंगे। और बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अलग केमिस्ट्री देखने को मिलेगी आप दो कैरेक्टर्स के बीच। एक कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज जो है, बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज कैसे एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, उनके जो आइडियोलॉजीज हैं, सब कुछ डिफरेंट। अरे मेरे इसमें इसका हाथ आ रहा है, ये सदर का कैसे आने वाली है, लव स्टोरी देखने मिलने वाली है पार्टी के या फिर दुश्मनी या फिर लव स्टोरी पार्टी के देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा। हां बस आई थिंक इट्स अ पैसा वसूल जरूरी, आप उसे पिक्चर समझ सकते हैं। और क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर जिसके मतलब उसका एम ही सबसे डिफरेंट है, और अचानक से उसकी लाइफ में एक डॉन आ जाता है, तो कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप गठबंधन देखेंगे। फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि गठबंधन देखने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा उसमें, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, ह्यूमर, रोमांस और ट्विस्ट एंड टर्न्स और प्यारी सी नोक झोंक, और गुजराती और महाराष्ट्रियों का जो समागम है वो तो उधर देखने लायक है। ओके, ऑपोजिट अट्रैक्ट ये तो हमने सबने सुना है, लेकिन ऐसी कौन सी क्वालिटी आप दोनों को एक दूसरे के अट्रैक्ट करती है? धनक को रघु, मुझे लगता है ये भले ही रघु का तो धनक की हर एक क्वालिटी अट्रैक्ट करता है, लुक, स्टाइल, उसका इमोशन, सब कुछ। तो धनक का कौन सा क्वालिटी है? क्योंकि धनक थोड़ी डिसिप्लिन्ड है, डिटरमाइंड है, उसे सब यू नो गलत काम पसंद नहीं, तो ऑब्वियसली सब कुछ तो पसंद नहीं आया उसे रघु में, पर एक क्वालिटी है रघु की कि वो भले ही गलत काम करते हैं पर एक अच्छे इंसान, तो शायद हो सकता है ये पसंद आ गया। ओके, आप दोनों अपने किरदार से कितना कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ में, और अगर उस बारे में कुछ बताएं, आप धनक से कितना कनेक्ट करते हैं, आप रघु से कितना? जी मैं तो रघु से बिल्कुल ऑपोजिट रघु के, रघु अगर आप कहें कि रघु और मुझे क्या मिलता है इनसे कि जस्ट फेस, ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, बहुत ही क्रैश है, बहुत ही ओवर द टॉप, एनर्जेटिक, एकदम लाउड आदमी है, जो दिल में होता है करता है। रियल लाइफ में काम है आप? हाँ, रियल लाइफ में थोड़ा सा मैं शांत स्वभाव का, वो एक डिफरेंट। आई थिंक धनक मेरा दूसरा वर्जन है, और बस फर्क इतना है कि धनक बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, मैं उतनी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बहुत जल्दी रो दूँगी, बट शायद धनक हर चीज़ को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करके मतलब अपना स्ट्रेंथ का परिचय भी देगी वो, और उतनी ही केयरिंग और लविंग भी, तो हमारे बीच में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, जिन्हें ओवरकम करके आई विल ट्राई कि जनता धनक को बहुत 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 प्यार से। धनक, आपसे जानना चाहूँगी कि एक लड़की मतलब यू नो रियल लाइफ में सब बहुत ही कम होता है, फिल्मों में देखने मिलता है कि एक लड़की जो IAS ऑफिसर है या कुछ इस तरह का किरदार निभा रही हो और वो उसे एक गुंडे से प्यार होना, मतलब जैसे कि प्रोमो में हमने देखा आप बोल रही है कि आप इन लोगों के लिए यू नो ये कुछ ऐसा करने वाली है, लेकिन आप हटकर उनसे प्यार करेंगे, कितना अलग होगा, कैसे आप यू नो उसको मौका देंगी या कैसे आप लोगों की केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी, बिकॉज आप देखा जाता है किरदार के मुताबिक आप इनको तो सजा देना चाहिए आपको। जी मैं भी चाहती हूँ कि मैं सजा ही दूँ, नहीं जोकिंग, ऑब्वियसली जो प्यार होता है ना वो आपकी अटायर, आपके रिलीजन और आपके काम से रिलेटेड नहीं होता, वो आपको कभी भी किसी से कहीं भी हो सकता है, और शायद एक यही डेस्टिनी ने गेम खेला है धनक और रघु के साथ, कितने ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ को प्यार के गठबंधन में बांध दिया है, तो मैं कैसे सुधारती हूँ, नहीं सुधारती, इन्हें अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करती हूँ या ये मुझे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये सब तो गठबंधन देखने पर ही पता चलेगा। ओके धनक, आपको एक्शन करते हुए देखने में मैं मोबाइल चलाने जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि जब धनक IPS ऑफिसर बनने वाली हूँ तो एक्शन तो बनता है एंड आई होप कि पसंद आए एक्शन जो मैंने किया है। रघु, जब आपको किसी ऑफिसर से प्यार होगा, जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अरे आप तो गुंडे हैं और वो ऑफिसर है, तो कितना आपके यू नो डरेंगे कि क्या कैसे इजहार करूँ, क्योंकि वो तो एक ऑफिसर है, जेल में बंद कर देंगे, डर लगेगा, ऐसा कुछ देखने मिलने वाला?
उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो किसी से नहीं डरता, खासकर पुलिस से तो बिल्कुल नहीं। अब प्यार हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, रघु अपने प्यार का इजहार प्रोलॉन्ग करेगा, खुलकर करेगा। और एक तो कहीं ना कहीं वो आपको पूरी तरह बदल भी देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हो सकता है प्यार इतना गहरा हो जाए। मैं उनकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स अपने अंदर दे दूँगा, मेरी पर्सनैलिटी से नहीं वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, लास्टली पूरा गठबंधन की यूएसपी क्या होने वाली है, ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए और क्या मैसेज देना चाहिए। अरे कौन जी, गठबंधन की मेन यूएसपी है इसके कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स की डिफरेंट पर्सनैलिटीज, जैसे मैंने बोला जो पर्सनैलिटीज़ के अंदर अपना एक इंडिविजुअल मज़ा है, एवरी पर्सनैलिटी हैज़ इट्स ओन फ्लेवर। और उनका जो उनके बीच की नोकझोंक, उनके बीच का प्यार तकरार सब कुछ, जो भी ड्रामा कॉमेडी एक्शन जो होने वाला है और जो क्लैश होने वाला है सारी पर्सनैलिटी का, वो एक इंटरेस्टिंग यूएसपी रहेगा शो। हम कह सकते हैं कि आपको एक ही थाली में तीखा मीठा चटपटा रसेदार सब कुछ मिलने वाला है, तो यही सबसे बड़ी यूएसपी है कि दो डिफरेंट कम्युनिटीज़, वैसे भी अगर आप इंडिया की दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर आते हो तो क्लैशेस भी होते हैं और ड्रामा भी होता है और नोकझोंक भी होती है, और हम तो ऑब्वियसली ला रहे हैं और ऊपर से उनके उनका करियर ऑप्शन भी बहुत डिफरेंट है, तो यही हमारी यूएसपी है। और सबसे ज़्यादा फोकस हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस में इससे ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएँ, और यही हमारे शो की थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, साउंड वापस आ जाएगा, क्या करेगा। मैं डॉन की माँ नहीं हूँ, मैं डॉन हूँ और मैंने मेरे बेटे को डॉन बनाया है। तो हमारे जो जादूरा है वो तो चले गए ऊपर, अब इसलिए सावित्री को डॉन बनना पड़ा, जिसने अपने बेटे को भी डॉन बनाया ताकि उसको भी अपने फैमिली लेगेसी जो है चोरी चिकारी क्या नाम है यार इनका, साथ आपको भूमि से लो ना, सुनाई नहीं देगा, आप भूमि से लो ना प्लीज, नीचे लेकर आगे कर लो। हाँ रिपोर्टर ने भी देखो किधर पकड़ा वो, उसकी बाइक को मारना ही पड़ेगा, वो तो टेंशन मत ले, करना भूमि से लो। लास्ट क्वेश्चन, ओके, उसकी माँ जो है वो अपने बेटी को क्या कुछ नहीं बनाना चाहती, ऐसी क्या वजह आती है जो आप अपने, अरे मनीषा भूमि, मनीषा भूमि खाली है, एक मैंने अपनी सावित्री के लिए एक राकेश भूमि से ले बाबू, आप जानते हो मराठी में खाना बोलते हैं, तो एक मैंने चांदीचं ताट बोललंय छान, चांदीचं ताट बोललंय छान, आमचे साधे सुने दादाराव गेले वर आणि सावित्री झाली गॉड, मतलब इससे पहले की दुनिया मुझ पे हावी हो जाए, सावित्री ने सोचा कि मैं दुनिया पे हावी हो जाऊँ ताकि दुनिया को छोटे के लोग पे रख के कुछ, तभी मैं अपनी जिंदगी को जी पाऊंगी, मेरे बेटे को कुछ बना पाऊंगी। तो इसलिए वो एक टेढ़ी भी है, उसको लगता है कि मुझे मेरे बेटे को गुंडा बनाने, सीधी सादी लाइफ में कुछ फायदा नहीं है, उसको अपने बेटे को गुंडा बनाने को उसने ध्यान रखा है, तो इसलिए वो अपने बेटे को गुंडा बना रहा है। हो गया
शो के लिए क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे, हमारा शो शुरू हो रहा है मकर संक्रांति के दिन, जो बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, न्यू ईयर है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम सब यही कहना चाहेंगे कि हम सब ने बहुत मेहनत की है, अपनी जान लगा दी है इस कैरेक्टर में, कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए, तो आप ज़रूर देखिए 15 जनवरी से कलर्स चैनल पर रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे कटपुतली। थैंक यू।